नमस्कार, बड़ी खबर है। बन टोल प्लाजा और बारीदारों के मुद्दे से ये खबर जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि तमाम डीडीसी मेंबर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है बन टोल प्लाजा के लिए और बारीदारों के मुद्दे के लिए। डीडीसी चेयरमैन रियासी सरफ सिंह नाग जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस मुद्दे पर जो है उन्होंने खासकर बातचीत की है और बताया कि रेजोल्यूशन पास किया गया। क्या कुछ कहना है डीडीसी चेयरमैन रियासी सरफ सिंह नाग जी का, देखिए पूरी इस रिपोर्ट में। टोल टैक्स का मसला है, जैसा कि हम जानते हैं आए दिन ये एक आपकी भी फहरिस्त में सबसे सरे फहरिस्त रहता है। तो और टोल टैक्स वाकई ही एक जनून मसला हमारे रियासी ज़िला के लोगों के लिए, तो ये हमने उस सिलसिले में डिस्कशन करी है और इसमें रेजोल्यूशन पास किया है। ये रेजोल्यूशन भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रेजोल्यूशन सभी जितने भी अक्रॉस द बोर्ड हम 14 मेंबर्स थे, चाहे हम सियासी राजनीतिक किसी पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने इसमें संजीदगी दिखाई है और हमने ये एक रेजोल्यूशन सबसे पहले पास करके जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें यूनियन मंत्री हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज़, ये उनके समक्ष हम मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद ऑनरेबल LG जम्मू कश्मीर, वर्दी चीफ सेक्रेटरी जम्मू व कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर, जितने भी संबंधित विभाग हैं वहाँ तक हम इस मसले को लेकर के जाएंगे और काउंसिल में पास करने का ये एक और भी इसका महत्व हो जाता है कि हमारी आवाम कितनी इस मुद्दे से परेशान है और काउंसिल उस मुद्दों को लेकर के, लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर के कितना संजीदा है। तो ये हम गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे, ये एक रेजोल्यूशन है। उसके बाद हमारा दूसरा रेजोल्यूशन जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बारीदार कम्युनिटी है, बारीदार कम्युनिटी पिछले 35 साल से अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है। ये गरीब लोग हैं, माता वैष्णो देवी का जो 1986 से पहले का जो वहाँ पे इंतजामिया थी इन लोगों के हाथ में थी। इन्होंने सदियों से वहाँ पे बैठ करके इस माता वैष्णो देवी के जो जितना भी मैनेजमेंट थी उसको चलाया, लोगों को सहूलियात दी, लेकिन ओवरनाइट इनको वहाँ से निकाला गया और जिसकी वजह से ये लोग आज तक 35 साल से अपना हक जो है वो लेने के लिए बहुत बार धरने, प्रदर्शन, कोर्ट का रास्ता, राजनीतिक पार्टियों के पास भी ये पहुंचे हैं। तो इनकी सहायता के लिए भी हमने एक रेजोल्यूशन जो है ये पास किया है और ये रेजोल्यूशन हम यूनियन होम मिनिस्टर साहब को भी पेश करेंगे, हमारे जो LG हैं महोदय जम्मू कश्मीर के, उनके समक्ष भी रखेंगे क्योंकि वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन हैं, तो ये उनके समक्ष भी रखेंगे और हमारी जितने भी गवर्नमेंट है उसके समक्ष भी रखेंगे कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ये भी सभी हमारे जितने 14 मेंबर्स थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखते थे, सभी की सहायता से बिल्कुल एक आवाज़ छोड़ के कोई मतभेद नहीं था। ये रेजोल्यूशन हमने दूसरा जो है ये पास किया है बारीदारों के हक में। और तीसरा रेजोल्यूशन जो है वो हमारे जो जितने भी DDC मेंबर्स हैं, देखिए हम जितने भी DDC मेंबर्स हैं, चाहे चेयरपर्सन हैं या वाइस चेयरपर्सन हैं, हम गांव देहात की आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे देहातों में 75% 80% तक की आबादी जो है ये देहात में रहती है और जितनी मुश्किलात पूरे जम्मू कश्मीर में हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि 90% जो परेशानियाँ मुश्किलें हैं और गवर्नमेंट का फोकस एरिया है वो ये देहात हैं। तो इन देहाती लोगों की नुमाइंदगी करने वाले अगर सक्षम नहीं होंगे, अगर उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, उनका पावर प्रोटोकॉल, उनके आने जाने का कन्वेंस, उनका ऑफिस, उनका जितना भी है पर्सनल सेक्शन, इस सबको अगर मजबूत नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये 5 साल निकल जाएंगे और हम जिस कार्य के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिनके हम बहुत आभारी हैं कि 17 सालों में ज़मीनी सतह पर हमें हकूक जो है आवाम को दिए हैं उन्होंने, तो वो जो मकसद था, एक ऑब्जेक्टिव था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, उसमें मैं समझता हूँ कि हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भी एक ये हमने रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन के माध्यम से हम अपने सरकार को भी ये चेताएँगे कि इन आवाम को, आवाम की बेहतरी के लिए इन आवाम के नुमाइंदों को मजबूत किया जाए, इनको पावर्स, प्रोटोकॉल्स और जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो लॉजिस्टिक्स और बेसिक सपोर्ट जो है ये की जाए ताकि हम अपने आवाम का भरपूर तरीके से उनकी सेवा कर सकें, उनके मुश्किलों को हल कर सकें। ये तीन जो हैं
हमारे रेजोल्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि रियासी की आवाम के लिए ये हमने पास किए हैं। मैं अपने जितने भी हमारे काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर्स हैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सब ने बा इत्तेफाक राय इन रेजोल्यूशंस को पास किया।